को लगा कि जीतन मांझी बड़ा भोला भाला आदमी है, 34 वर्ष का राजनीति लाइफ है, वो जानते होंगे कि ठीक है 1966 में ऑनर्स कर लिया होगा, लेकिन 30 वर्ष में तो कुछ करामत नहीं किया है, तो दैट मीन्स कि पढ़ लिख करके सो है। जिसकी कल्पना नहीं थी बना दिए, आशा उनकी यही रही होगी कि हम जो कहेंगे वो करेंगे, और ठीक हमने किया भी 2 महीना 3 महीना। हम बताइए, हम अपने मंत्रिमंडल को बना रहे हैं तो नीतीश कुमार जी लाए 29 वो का नाम, हम जानते भी नहीं कौन कौन कहां लाइए, जीतन राम मांझी नीचे नीचे लिख दिया, गवर्नर के यहाँ गए सब मंत्रिमंडल का वोट हो गया, विभाग देने की बात आई, किसको कौन विभाग, हम इतना भी नहीं जानते थे कि PWD क्या होता है, वहां माल मटेरियल कुछ ज्यादा है, PHD क्या होता है, नगर विकास क्या होता है, वाया हमने लिख दिया नीचे जीतन राम मांझी, तो बहुत अच्छा जीतन मांझी बहुत अच्छा है, बड़ा नाम उस समय हमारा चल रहा था। लेकिन धन्यवाद देते हैं मीडिया के साथियों को, हनुमान जी की कहानी आप लोग सुने हैं ना, कि समुद्र किनारे हनुमान जी अपना पीठ ऐसा ऐसा खुजला रहे थे, सब लंका की ओर ताक रहे थे कि समुद्र को कैसे पार करेंगे, तो किसी को नहीं पता था, लेकिन जामवंत को पता था, कहे हनुमान सबको तो कह रहा है कि हम जाएंगे आएंगे नहीं, कोई कुछ कर रहा है कुछ कर रहा, तुम्हें तो असीम शक्ति हो, कहां सोए हुए, तो अपना देह जरा फाइट किया, ताकि हाँ ठीक तो कहता है, ठीक है हम जाएंगे आएंगे, तो जीतन मांझी को, जीतन मांझी बंदर को ये मीडिया वाले जामवंत लोगों ने हमको जगा दिया, कहने लगा कि रबर स्टैंप है, रिमोट से सरकारी चल रही है, मन में हम सोचा सवाई तो बात तो ही नहीं है, ठीक मन में बात आई कि हम तो गुजर जाएंगे, लेकिन यदि मुख्यमंत्री होकर 2-4 साल भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहने का मौका मिलेगा, मेरा बाल बच्चा अगर कोई काम के लिए किसी के यहाँ जाएगा तो उसको कहेगा कि साला तुम्हारा तो बाप था मुख्यमंत्री, क्या किया था जो आज तुम आए हो मेरे पास, तो हमको लगा कि भाई बेइज्जती सहना तो एक ठीक है सह लें, लेकिन हम अपने बेटे और बदवाल बच्चों को हम गाली सुनावे ये नहीं हो सकता, तब फिर हम अपना 8 महीना के बाद हम अपना बांध करकस शुरू किया, और कुछ नहीं किया मेरे दोस्तों, आज तक टेलीफोन ऑपरेटर से लेकर के मुख्य सचिव तक ये किसी भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ही एक नया उदाहरण हो सकता है, कि कोई भी मुख्यमंत्री आता है, कोई भी प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति अमेरिका तो बनता है तो समूचा क्लास 3 से लेकर टॉप ग्रेड तक के बदल देता है दूसरे ही दिन, लेकिन इधर भी होता है, लेकिन जीतन मांझी चाहे जिस भी कारण से हो, हर स्टाफ को नीतीश कुमार के स्टाफ से ही काम किया 8 महीना। अभी पिछड़ा जो BPL में रहने वाले लोग हैं सब कहा भाई जीतन मांझी तो एक मसीहा बन के आ गया, सब लोग कहने लगा कि सही में जीतन मांझी बड़ा लकीर खींच दिया, तो नीतीश जी के लोग कहने लगा कि लीजिए ये तो ऐसा लकीर खींच रहा है ना कि 4 महीना और छोड़ दीजिएगा इसको तो नवंबर में आपका नाम लेने वाला नहीं रहेगा, जीतने मांझी का नाम ले, इसीलिए क्लास 3 और क्लास 4 जो कैडर होता है नक्सली टेंडर का उसमें हमने आरक्षण का नाम दिया, अब लीजिए सारे ठेकेदार मिल गए, सारे जो इंटेलेक्चुअल अपने को कहते हैं कि तो जीतन मांझी बर्बाद करके रख दिया, सब लोगों को बाकात देगा, तो भाई इस लाइन पर भी सब लोगों ने नीतीश कुमार को समझाने में सफल हो गए कि जीतन मांझी आपसे बड़ा लकीर खींच देगा, मुख्यमंत्री का दावेदार अगला वही होगा, इसलिए जल्दी जल्दी इसको साफ कीजिए, और साफ करने के लिए चुन लिए हमारे शरद यादव जी को, सरल जगह जी माननीय हमको कहे कि जीतन मांझी जी
आप ऑप्ट कीजिए। हम कि क्या ऑप्ट होता है भाई, जरा हमको समझाइए। तो ना नीतीश जी को कहिए कि नेता वही हो। हम कि क्यों? अरे भाई नीतीश जी के श्री मुंह से तो होना चाहिए कि क्या गलती हमने किया है, हमको समझा दें तो हमारा ज्ञान में वर्धन होगा कि अगर हम कुछ गलती किया है जिसे पार्टी का राज्य के हित में, देश के हित में कुछ बड़ा काम गलत कर दिया हो, तो अगर वो कर देंगे तो हम रिजाइन कर देंगे। तो कहने कि ना वो कहेंगे नहीं, तो हम कहा कि हम भी रिजाइन नहीं करेंगे। यही लड़ाई चली।